हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट के बारे में। क्या आपने उस वीडियो को दोहराया और आपने नोट डाउन की नोटबुक में? यदि हाँ तो आपसे यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आप यदि आप नए हैं, आपने इसके पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहला वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बाद आप दूसरा वीडियो ओपन कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी जितनी भी बिंदु आपको समझाए गए हैं उस वीडियो के माध्यम से, वह सारे बिंदु आपको समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं आज के सेशन में, और आज का बिंदु जो है हमारा वह है प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट। ध्यान देना है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक आखिर कहते क्या है। हमने आपको शुरू में बताया था, जब वीडियो की शुरुआत की थी, कि जैसे अभी कुछ देश हैं, जैसे भारत में ही अपने लद्दाख का एरिया है, एशिया माइनर का पठार है, मैग्नीशिया में भी ये मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से चुंबक हम इसे हम कहते हैं। उतना तो नहीं मिलता दोस्तों, सॉरी। उतना उत्पादन इसका तो नहीं हो पा रहा है जमीन के अंदर, लेकिन जब यह चुंबकत्व का प्राप्त होता है तो यह क्या होता है, जैसे एशिया माइनर में, मैग्नीशिया में, लद्दाख में, ऐसे जगहों पर यह पाया जाता है। तो हम समझेंगे कि क्या पाया जाने वाला ही चुंबकत्व चुंबकत्व के रूप में उपयोग किया जाता है या नहीं, या बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत ये सभी हम जानेंगे बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। वही हुआ नहीं बात कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले, ना कहीं पर गड़े हो या कहीं पर छूट गए हो, वहां से दिखा आपको, क्या दिख रहा आपको, चुंबक। क्या हुआ, चुंबक दिख रहा है आपको, उठा लो, तो क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इनकी आकृति अनिश्चित एवं आकर्षण बल छीण या वीक होती है। ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड Fe होते हैं, जो उदाहरण द्वारा समझेंगे, जिसे हम लोडस्टोन या मैग्नेटाइट का रूप देते हैं, जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, जिसे हम नेचुरल मैग्नेट का रूप देते हैं। देखिए, जो इनकी आकृति होती है वह अनिश्चित एवं आकर्षण बल क्षीण होती है। इनकी आकृति में क्या होता है, कोई निश्चय नहीं होता कि यह गोल ही होंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे, कोई निश्चित नहीं है। या जब पाए जाने पर मैग्नेट का उपयोग होता है तो उसे शेप में लाया जाता है कंपनियों के माध्यम से और कारीगरों के माध्यम से। तो आपको यह जानना है कि इनकी आकृति अनिश्चित एवं आकर्षण बल छीण होती है, जो ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड को या खींच सकते हैं, बस Fe होते हैं, जिसे क्या होता है कि उदाहरण में आपको दिख रहा है कि लोडस्टोन या मैग्नेटाइट या प्राकृतिक चुंबक है। वही हाल है कि इनका क्या होता है कि आकर्षण बल जो होता है वह छीण हो जाता है, जिसके कारण मैग्नेटाइट आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। लेकिन आपके अंदर चुंबकत्व का गुण होने के कारण आपको चुंबकत्व का एरिया या उसके स्ट्रक्चर, जो उसकी रेड तरंगे होती हैं, चुंबकत्व के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगी। चर्चा करते हैं हम कृत्रिम चुंबक के बारे में। अब तो आप जान गए ही होंगे कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाए उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड होते हैं, जैसे लोडस्टोन, मैग्नेटाइट इत्यादि। चर्चा करते हैं अपने वीडियो के दूसरे बिंदु पे, तो वह क्या है जिसे हम दिख रहा है आपको, कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। देखिए दोस्तों, कृत्रिम चुंबक जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मानव या कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, अर्थात जो मानव या कारीगरों के माध्यम से उसे क्रिएट किया जाता है और उसको बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट का रूप देते हैं। लेकिन जो पाया जाता है शुद्ध रूप उसमें होता है, लेकिन जो बनाया गया है इसमें भी कई प्रकार की चीजें ऐड की गई हैं, जिससे वह चुंबकत्व तो अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि खोदा गया पाया और वह चुंबकत्व का उपयोग करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले उसको उसकी देखभाल होती है, और वह होने लायक है या नहीं उसकी पूरी जानकारी के लेकर फिर उसको क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी रखते हैं और उन चुंबकत्व को अच्छा रूप बनाते हैं, जिसके कारण वह चुंबकत्व अनेक विधियों के माध्यम से उपयोग किए जाने लगते हैं। देखिए, ये प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा एक निश्चित आकृति युक्त
तथा अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। सामान्यतः इस्पात, लौह आदि धातुओं से निर्मित होते हैं, जैसे नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, क्षण चुंबक आदि। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इनमें इसका उपयोग होता है, नाल चुंबकों में, चुंबकीय सुई में या क्षण चुंबक में। इन सभी का उपयोग किसमें करेंगे आप? जो वो घड़ी आपको हम बता रहे थे। ध्यान देना है, जो मानव एक कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित चुंबक, कहलाते हैं। ये प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा एक निश्चित आकृति युक्त तथा अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। ये सामान्यतः इस्पात, लौह आदि धातुओं से निर्मित होते हैं। उदाहरण जैसे नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, क्षण चुंबक इत्यादि। चर्चा करते हैं दोस्तों इसके दूसरे बिंदु पर, देखते हैं वह क्या है। देखिए, कृत्रिम चुंबक आपने समझा, आपको इतना ध्यान रखना है कृत्रिम चुंबक में दोस्तों, कृत्रिम चुंबक में आपको इतना ध्यान रखना है कि यह अधिक क्या होते हैं? अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। ये आपको याद रखना है, जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वह अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं, जैसे नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, क्षण चुंबक इत्यादि। चर्चा करते हैं इन कृत्रिम चुंबक के दो चुंबक के प्रकार हैं उनके बारे में, जैसा थोड़ा आपको समझाएंगे। अभी आपने क्या समझा, जैसे मोनोपोल किसे कहते हैं? उस वीडियो के माध्यम से बताया कि एकल ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, वह अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ में नहीं रह सकता। हमने आपको क्या बताया था, क्या यह रेखाएं साउथ अकेले में रह सकेंगी? क्या यह रेखाएं नॉर्थ अकेले में रह लेंगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इनकी रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होती रहती हैं। देखिए क्या होगा, जब ये रहेंगे तो क्या होगा, इसमें नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। ऐसे डिफिनेट नहीं बताया गया है कि एक नॉर्थ या अकेला ही रह सकता है या साउथ अकेला ही रह सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब कंपास को किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं तो कंपास की सुइयां हिलने लगती है। कैसे? देखिए, एक एरिया होगा, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, ध्यान देना। अब चुंबकत्व का श्रेणी जो है, चुंबकत्व का एरिया इतना ही है। आप यहाँ पर कोई चीज ढूंढ रहे हैं या आपको दिशा नहीं मिल रही है, जंगल है ना, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको दिशा नहीं मिल रही है। यदि चुंबकत्व का गुण इस एरिया में है तभी आपका जो वो होगा, दिशा यंत्र होगा, वह तभी बता पाएगा, दिशा का निर्धारण कर पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि चुंबकत्व के गुण जहां वहां बल रेखाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तभी उनमें सारी जानकारी चुंबकत्व के माध्यम से मिलती है। समझ में आ चुका होगा आपको। और आपको ये बिल्कुल भी याद रखना है कि ये चाहे इतने टुकड़े हो जाएं इसके, लेकिन उनमें क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल अवश्य होगा। यदि नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते, चाहे वह उत्तर नहीं रह सकते, दक्षिण दक्षिण की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, जब चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आगे हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, हम आपको थोड़ा बताते हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जब पास पास होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है अधिक प्रभावशाली होता है, और जो जब उसकी रेखाएं जो होती हैं दूर दूर होती हैं, तो उनमें जो चुंबकीय क्षेत्र में होता है वह अधिक प्रभावशाली नहीं होता है, यह जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, उसमें हमने ऐड किया है। तो चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक ध्यान देना, मिटा दें इसको। अब आपको हम बताने वाले हैं कि कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार, किसके? कृत्रिम चुंबक के, आर्टिफिशियल। उनके दो प्रकार हैं। पहला क्या है? स्थायी चुंबक। दूसरा कौन सा है? अस्थायी चुंबक। देखिए, जो परमानेंट मैग्नेट होता है दोस्तों, ऐसे चुंबक होते हैं जिनमें चुंबकत्व का अस्थायी गुण होता है, स्थायी। कभी कभी क्या होता है, चुंबकत्व में खुद का एक स्वरूप होता है ना, स्थायी रूप से उसमें बना रहता है। क्या? चुंबकत्व के गुण। क्या होता है, ऐसे चुंबक में जिनमें चुंबकत्व का स्थायी गुण होता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनमें चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता, मतलब इसमें जो एरिया है चुंबकत्व का वह बना रहता है, आसानी से नष्ट नहीं होता है।
बना रहता है और आसानी से नष्ट नहीं होता है, जो वर्तमान में स्थायी चुंबक या टिकोनाल या एलिको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट की मिश्र धातु से निर्मित किए जाते हैं, वे सभी स्थायी चुंबक के अंतर्गत ही आते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि स्थायी चुंबक वे हैं जिनमें चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हेडिंग, आपको याद रखना है इसको कि चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है और वर्तमान में स्थायी चुंबक या टिकोनाल या एलिको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट की मिश्र धातु से निर्मित किए जाते हैं। यदि आप उपचार में लेना चाहे तो देखकर एक बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। चर्चा करते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, देखते हैं वह क्या है। अस्थायी चुंबक क्या है दोस्तों? अस्थायी चुंबक जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट के रूप में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे चुंबक वो होते हैं, ऐसे चुंबक जिनमें स्थापित का गुण स्थिर नहीं रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। जिनमें ऐसे चुंबक जिनमें स्थायित्व का मतलब उसमें स्थायित्व है ही नहीं, एक प्रकार से उस स्थायी चुंबक में कोई भी दिशा या कोई भी आपको अपनी ओर आकर्षित करनी होगी तो आप उसके माध्यम से नहीं खींच पाएंगे या आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो स्थायी चुंबक जो होता है वह आकर्षण के लिए बेहद ही शानदार होता है, लेकिन जो इसमें क्या होता है, एक बड़ी बात यह है, इसमें चुंबकत्व तो होता है वह शीघ्र नष्ट नहीं होता है स्थायी चुंबक में। तो दोस्तों बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम आपको दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।